बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा हमारी इबादत का एक अहम जुज़्व है। हमारे पांच अरकान में से एक अहम इबादत है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को कई किस्म की इबादत से नवाजा है, जिनमें कुछ माली इबादत हैं और कुछ जिस्मानी। और इन्हीं इबादत के पेश नज़र इंसान की इबादत फरिश्तों की इबादत से बुलंद है, बशर्ते कि वो इन इबादत को बखूबी अदा करे। जैसा कि ज़कात और रोज़ा ऐसी इबादत हैं जिनसे फरिश्ते आजिज़ हैं, क्योंकि ना तो वो ज़रिए आमदन रखते हैं और ना ही उन्हें भूख और प्यास लगती है। सूरज तुलू होने से लेकर गुरूब आफ्ताब तक मुसलमान रोज़ा रखते हैं। इस दौरान वो कुछ खाते पीते नहीं, लेकिन रोज़े का मकसद महज फाका कशी नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत करना है। इसके अलावा खुद को तमाम तरह हराम और नापाक कामों से दूर रखना है। मुसलमान हर साल रमज़ान में रोज़े रखते हैं। नबूवत के 10वें साल 610 हिजरी में मेराज की शब मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज किए गए। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज किए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। अगर हम रमज़ान के तारीखी पस मंज़र पर रोशनी डालें तो हमें पता चलता है कि ज़माने जाहिलियत में भी अकवाम रमज़ान का अहतमाम करते थे। उस वक्त रमज़ान को तातल कहा जाता था, जिसका मतलब है कुएं का पानी निकालना। लेकिन इस्लाम की आमद से 200 साल पहले कला बिन मरा के मशवरे के मुताबिक लफ्ज़ तातल को बदलकर रमज़ान रखा गया। इसकी वजह यह थी कि उस वक्त मौसम गर्मा की इब्तदा में रोज़े रखे जाते थे, क्योंकि गर्मियों में प्यास की शिद्दत बढ़ जाती है। इसलिए वल्लाह की रज़ा की खातर मौसम गर्मा में रोज़े रखते, ताकि उनके सख्त तरीन इबादत के पेश नज़र उनसे अल्लाह पाक राज़ी हो जाए। इसी नस्बत से लफ्ज़ रमज़ा का इंतखाब किया गया, जिसका मतलब है देर तक प्यासा रहना और गर्मी की वजह से मैदा गर्म हो जाना। ये अरबों की मकामी ज़ुबान का एक लफ्ज़ था, जो कि बाद में एक मुकम्मल रमज़ान के लफ्ज़ की सूरत अख्तियार कर गया। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब है रोज़ा रखना। इससे जाहिर होता है कि दीगर अकवाम भी रज़ाए खुदाबंदी की खातिर रमज़ान का अहतमाम किया करती थी, क्योंकि हर कौम के लिए किसी न किसी नबी को सरचश्मा हदायत बनाकर भेजा गया। लिहाजा उनके तरीक़ाकार के मुताबिक वो लोग रोज़ा रखते थे। इस्लाम से कबल लोग आशूरा का रोज़ा रखा करते थे, क्योंकि इस दिन को हर ज़माने में बड़ी अहमियत हासिल है। मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को योम आशूरा कहते हैं। इस्लाम से कबल आशूरा का रोज़ा फ़र्ज था, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के फ़र्ज हो जाने के बाद आशूरा के रोज़े की फ़र्जियत ख़त्म हो गई। अलबत्ता हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के रोज़े को सुन्नत और मुस्तजब करार दिया, क्योंकि आप ख़ुद भी आशूरा का रोज़ा रखा करते थे। उसकी वजह यह थी कि इस दिन अल्लाह ताला ने पहाड़ कुर्सी और कलम पैदा किया। ज़मीन पर पहली बारिश इसी दिन हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा कबूल हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यौम आशूरा को ही पैदा हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फिरौन से निजात मिली। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैदखाने से रिहाई मिली। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से रिहाई मिली। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दोबारा बिनाई अता हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इसी दिन जोदी पहाड़ पर आकर रुकी। आशूरा के दिन ही असहाबे काफ ने करवटें बदली, और कयामत भी इसी दिन आएगी। इसी नस्बत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन का रोज़ा रखा करते थे। इसी दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो को करबला में शहीद किया गया। तफसीर इब्ने कसीर के हदीस का बयान है कि सूरतुल बकरा की आयत नंबर 158 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और तमाम अंबिया पर नाजल करदा आसमानी किताबें भी इसी महीने में नाजल की गईं। इसके अलावा यह भी रवायत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और कई अंबिया पर सहीफे भी इसी महीने में नाजल किए गए। अब हम दीगर अंबिया और उनके रमज़ान को बयान करते हैं।
जैसा कि सबसे पहले तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजल हुई। आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजे गए। उस वक्त ये कौम बुध जुमरात और जुमा का रोजा रखते थे, ये उन पर फर्ज थे। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजल फरमाने का इरादा किया तो आप अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप 30 रोजे रखें। फिर आप अलैहिस्सलाम ने एक माह के मुकम्मल रोजे रखे और आखिरी रोजे के वक्त इफ्तार से कबल आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हमकलाम होने की गर्ज से कोहे तूर की जानब रवाना हुए, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कोहे तूर पर कलाम फरमाया करते थे। रास्ते में आपने गुमान किया कहीं मुसलसल रोजा रखने की वजह से अल्लाह ताला को मेरे मुंह से बदबू न आए, और आपने रास्ते में खुशबूदार बेल का पत्ता तोड़कर चबा लिया और बारगाह खुदावंदी में हाजिर हो गए। अल्लाह ताला ने आपसे दरियाफ्त किया, ऐ मूसा, आपने इफ्तार से कबल रोजा क्यों इफ्तार किया? जब आप अलैहिस्सलाम ने वजह बयान की तो अल्लाह ताला ने सख्त नाराजगी का इजहार किया और फरमाया, मेरे रोजेदार के मुंह से आने वाली बदबू मुझे कायनात की तमाम खुशबुओं से ज्यादा बेहतर लगती है। चुनांचे उन्हें 10 रोजे मजीद रखने का हुक्म दिया और 40 रोजे मुकम्मल होने के बाद आप अलैहिस्सलाम को तौरात मुकद्दस नाजल फरमाई गई। उसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जबूर नाजल हुई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े जलीलुल कदर और बहादुर पैगंबर थे। उनकी इबादत अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा पसंद थी। आप रात के पहले हिस्से में सोते और दो तिहाई हिस्से में कयाम फरमाते और जिक्र इलाही में मसरूफ रहते। आपका मामूल था आप एक दिन रोजा रखते और एक दिन ना रखते, लेकिन नजूल जबूर से कबल आप अलैहिस्सलाम को भी 40 रोजे रखने का हुक्म फरमाया गया। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अंजील नाजल होने से कबल 40 रोजे रखने की हदायत दी गई। इसके बाद इन अंबिया की अकवाम भी इसी तरतीब के साथ 40 रोज के रमजान का अहतमाम किया करती थी और बास आज भी करती हैं। इससे मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक रोजे की अहमियत कितनी ज्यादा है। हमें रमजान करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अता हुआ। मेराज की रात आप अलैहिस्सलाम को रमजान के तोहफे से नवाजा गया और ये क़यामत तक मुसलमानों के लिए फर्ज करार दिया गया। इससे कबल अरब के लोग आशूरा का रोजा रखते, जुलहज के पहले 10 रोजे रखे जाते, जुम्मे का रोजा और बाज़ लोग बुध और जुमरात का रोजा रखा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मामूल था कि आप इन सब के अलावा पीर के रोज का भी रोजा रखते, इसलिए कि आप अलैहिस्सलाम की योम विलादत पीर के दिन हुई। उसकी खुशी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर का रोजा रखा करते थे। नीज तहज्जुद की नमाज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी निस्बत से अदा किया करते थे, क्योंकि आप तहज्जुद के वक्त दुनिया में तशरीफ फरमा हुए थे। मगर रमज़ानुल मुबारक के फ़र्ज होने के बाद इन तमाम रोज़ों की फर्जियत ख़त्म हो गई और रमज़ान के 30 रोज़े फ़र्ज हो गए। अलबत्ता अगर कोई ये रोज़े रखता है तो उसे बेहद सवाब मिलता है, क्योंकि अब ये नफली रोज़े हैं। तो अगर कोई ना भी रखे तो कोई हर्ज नहीं। रमज़ान के रोज़ों की फर्जियत बयान करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो कोई जानबूझकर रमज़ान का एक भी रोज़ा छोड़ता है, फिर चाहे वह सारी ज़िंदगी रोज़े रखे, उसका कफ़ारा अदा नहीं हो सकता। रमज़ान के महीने में हर इबादत का सवाब 70 गुना ज़्यादा कर दिया जाता है, क्योंकि रमज़ान का महीना कमरी साल में आता है, लिहाजा वक्तन फवक्तन इसके औकात और मौसम बदलते रहते हैं। यानी यह कभी गर्मियों में आता है तो कभी सर्दियों में। लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं, मुझे अपने बंदों के गर्मियों के रोज़े और सर्दियों का वज़ू बेहद पसंद है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में आपने 9 रमज़ान देखे और उनके रोज़े भी रखे, लेकिन 10वें रमज़ान से कबल आप अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया।